अच्छा सुनिए भाई, आप लोग सब आए इसके आगे तो एक घंटा हमने काफ़ी लेक्चर दे दिया, वो था हम लोगों का ये चास का बारे में और ये कमान का बारे में, हम लोग का काम का बारे में। अभी जो आप लोग आए हमको सम्मान देने के लिए, कारण ये है जो हमने आप लोगों को जो बोनस है ठीक टाइम पे दिया, इसमें मेरा भी बहुत आनंद है। और एक भी चीज़ आप लोग सुना होगा शायद, जो ये बोनस का भी एक प्रेशर मेरा ऊपर आ गया था, आप लोग जानते हैं प्रेशर, वो ऊपर जो आगे का मालिक वो दे दिया, तो वो जो है तो अलग सा है, उसके लिए आपका हम कुछ सफ़र करने नहीं दिया, हम बोला ठीक है उसके साथ हम लिपट लेंगे आप लोगों का। तो मेरा हम जो चाहते हैं, जैसे आज का ये जो आनंद का दिन, हर साल ऐसा आनंद का दिन है, जो ये जब से ये चाय बागान का एक ट्रेडिशन हो गया, जो कि ये बोनस का टाइम बहुत अशांति का टाइम हो जाता है, आप लोग भी सोच में पड़ जाते हो क्या बोनस आएगा कि नहीं आएगा, मालिक लोग भी भागते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते, अल्टीमेट तो देना ही पड़ेगा, जो देना है हमको उसका आगे आपको कंट्रोल करना है, जो ऐसा करके तुम चलोगे तो मेरा पैसा कैसे आएगा और हम कैसे करके तुम लोग का पैसा भरेगा, ये हर दिन का काम है, ये सितंबर अक्टूबर का काम नहीं है, उसी टाइम आके हम लेक्चर देना शुरू किया, ये लेक्चर आज से देना चालू हो जाना चाहिए, एक बोनस चल गया, दूसरा बोनस कैसे करके आएगा, ठीक टाइम पे कैसे करके आएगा, पैसा करके उठेगा, हम लोग का खर्चा कैसे चलेगा, इसका हिसाब रोज़ रोज़ हमको करना है, आगे बढ़ना है। ये जैसे ऑफिस में बाबू लोग करेगा, वैसे ही बाहर में ये चपरासी मुंशी करेगा, कामदारी लोग करेगा, लेबर को भी इसमें जानकारी भी होना चाहिए, ठीक है। मेरा ये तो बहुत आनंद का दिन है, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है टी गार्डन में, और ये है बोनस टाइम में सब लोगों का मिल गया और आप लोग सब आया, आप लोग का जो बोलते हैं आप लोग खादा पढ़ाने के लिए, लेकिन हम सिर्फ खादा पढ़ने वाला आदमी नहीं है, वो तो कभी हो जाता, वो तो एक घंटा आगे ही हो जाता, हंसी मसी चल गया, लेकिन वो सही नहीं है, यही है अच्छा, यही है असली पर्पस, और यही हम कर ये करने का ही कोशिश करेंगे हर साल ही, अगर नहीं भी आया तो बाद में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा पुबोंग, मेरा गार्डन, हम लोगों का कमान, हम लोगों का ये अच्छा तरह से चले। एक चीज़ तो हम ऑन रिकॉर्ड आपको बता ही देते हैं, आपका पैसा ले चोरी करके हम कहीं लेके नहीं जाएंगे, जो करेंगे आपका नुकसान भरेंगे, लेकिन उसका भी एक लिमिट है भाई, हम नुकसान हर साल भरते भरते नहीं चलेंगे, हम भी डाउन हो जाएगा, लेकिन ये आप एकदम मान के चलिए, जो इधर का जितना पैसा आप लोगों को पहले देंगे उसके बाद हम लेंगे, और कभी कभी जो नुकसान होगा वो भी भरने पड़ेगा, लेकिन आप लोग ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अगर आपको सम्मान देना है जो हम सर को कभी नुकसान भरने नहीं देंगे, हम लोगों का कंट्रोल का बाहर कुछ हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों का कंट्रोल में जितना रहा उसमें हम लोग उनको नुकसान भरने नहीं देंगे, ये भी आपका वो सम्मान देने का जगह में ये भी सोच विचार दिमाग में भी घुसाइए, वो खादा का साथ, ठीक है सर, समझ में आया ना मेरा बात, चलो शुरू कर दो। मैं भी उस ये जो 20% का जो बोनस था उसका थोड़ा भागीदार मैं भी, इसलिए आपका थोड़ा अभिनंदन जाना सी सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। म लगाइदिइहाल म लगाइदिएर चलिदिइहाल्छु, लगाएर चाहिँ गइहाल्छु, और एक चीज आपको बोलने का दरकार है, ये
गला में झूल आप लोग झुलाने का बात हमको सोच में आया इसी टाइप जो आप लोग तो वैसे जैसे भगवान को माला चढ़ाते हो सम्मान देते हो वैसे ही तो सम्मान हमको दिया आप उसका साथ एक एक्स्ट्रा चीज आप लोग करो भगवान का पास में प्रेयर भी करो जो हम लोग का पूवंग का अच्छा हो मेरा अच्छा होगा आप लोग का अच्छा होगा तो पूवंग का भी अच्छा होगा ये तीन एक ही एक सिस्टम में है मेरा अच्छाई आप लोग का अच्छाई से दूर में कभी नहीं होगा तो ये भी ये जो है भगवान का ऊपर चढ़ाते हो हमको चढ़ाया फूल चढ़ाते हो आप लोग इधर में आप लोग का ट्रेडिशन में ये चढ़ाया बहुत अच्छा है लेकिन ये सभी है उनका उनका रिप्रेजेंटेटिव होकर हमको इधर खड़ा होना पड़ा और आप लोग ये किया बहुत आनंद का बात है लेकिन ये काम दिल से करो भाई जो रोज ही जब प्रेयर करते हो तब अपना जो काम है जो ये पूवंग टी एस्टेट पूवंग टी गार्डन इसका अच्छाई के लिए सोचो और उसके साथ ये भी एक लाइन बोल दो जो हम लोग का मालिक का जो सद इच्छा है सद वो सद इच्छा भगवान आपने फुलफिल करो समझा मेरा बात आप लोग सीनियर आदमी हो लड़का हो लड़की हो जो भी हो मैन वोमेन सब सीनियर हो सभी लोग इधर में जो भी है सब सीनियर आदमी हो गया तो ये सब लोग ये प्रार्थना भी भगवान का पास रोज करना ठीक है थैंक यू।